हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? मस्त हो? तो आज हम आपके लिए लेकर फिर से उपस्थित हो गए हैं क्लास 12 का फिजिक्स पोलराइजेशन ध्रुवण का अगला वाला लेक्चर, यानी कि पार्ट नंबर 3 चलने जा रहा है। और आज यह क्या होने वाला है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, लेकिन एक मतलब कि एक लेक्चर और दिखाऊंगा, उसमें केवल आपके लिए न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं कि आपको ध्रुवण अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, और आप कमेंट बॉक्स में बताया करो कि यस सर, हमको समझ में आ रहा था, कि हम आपके लिए और बेहतर से बेहतर कार्य कर सके बच्चों। लेकिन आपको तो शायद लिखने आता नहीं है ना, लिखने तो आता नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो करना है शो करो। बड़े हो गए बच्चों, बड़े हो गए हो तुम लोग, कुछ बेहतर करो ज़िंदगी में, ठीक है ना। और जो हमको लाइफ में आगे चल के काम करना ही है, तो उसको आप अगर आज कर लेते हो तो बेहतर आपके लिए होगा, बाकी आपकी मर्जी, देखते हैं। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, यानी कि आप पहचान रहे हो। यस, माय नेम इज योगेश सिंह, भली बात जान रहे हो, परिचित हमसे हो गए ही हो गए। तो आज इस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन पहले आज भी हम आपको देते हैं एक 3 पेज का नोट्स है, 3 पेज नहीं 2 ही पेज है। इस नोट को आप जल्दी से उतार लो अपनी कॉपी में, और फटाक से फिर हम आगे पढ़ाते हैं आपको। तो उम्मीद करते हैं कि नोट्स आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा, भली बात, ठीक है ना। तो अब देखो जरा, प्रकाश द्वारा परावर्तन द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, अब हमको इसकी बात करनी है ना। कोई बात नहीं, अब आपने नोट्स अगर लिखा है तो देखा देख रहे होगे आप, जब अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम जैसे जल, कांच आदि के पृष्ठ से परावर्तित होता है। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास यह कोई तल है, ध्यान देना मेरी बात का, यह कोई तल है और यहाँ पे हमारे पास, चलो मान लिया जल, कांच, कुछ भी हो सकता है, कोई पारदर्शी माध्यम। यहाँ पे हमारे पास चलो मान लिया हवा है, और यहाँ पे चलो मान लिया क्या है, जल है, ठीक है ना, दो माध्यम है। तो जब कोई अद्वित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम चलो मान लिया यहाँ से आपतित प्रकाश आ रही है, और यह जो है ना, जो आपतित प्रकाश है वह अद्वित है, वह कैसी है, अद्वित प्रकाश है, ठीक है ना। यानी कि यह भी अद्वित होता है, समझना हमारी बात को, द्वित वही होता है मतलब कि जो एक विशेष दिशा में चलता है, लेकिन यह वाला क्या हो रहा है, इधर भी है और इस वाले में भी है, बीच वाले में भी, ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है, यह भी अद्वित प्रकाश होता है, ठीक है ना। अब यह हो गया हमारा अद्वित प्रकाश, हो गया अद्वित प्रकाश, वही बोला गया है कि जब कोई अद्वित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम पर जैसे जल, कांच इत्यादि के पृष्ठ से परावर्तित होता है, ध्यान देना। अब यहाँ पे घटना क्या घटती है, जहाँ पे आपतित किरण गिरता है वह आपतन बिंदु कहलाता है, इस पर खींचा गया अभिलंब क्या कहलाता है बच्चों, अभिलंब कहलाता है। यहाँ पे बहुत सारी बातें प्रैक्टिकली होने वाली हैं, ठीक है ना, जो मतलब कि देखा गया है, आप उसको जान बस जानोगे। अब क्या हो रहा है, यहाँ से जानते हो कि अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो यहाँ पे अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो कुछ ऐसा चलो मान लिया हो गया। अब यहाँ क्या देखने को पाया गया कि यहाँ भी यही प्रकाश अद्वित वाला आता है, ठीक है ना, यही अपवर्तन वाला जो प्रकाश है वह अभी अनपोलराइज्ड है, वह अभी क्या है, अद्वित ही है। अद्वित में मतलब ऐसे पार्शियली वो कह सकते हो, ये पार्शियली होता है ऐसा कुछ, ठीक है ना, कहीं ऐसा है, कहीं ये वाला है, कहीं ये वाला है। देखो यह तो हो गया, चलो भैया मान लिया हो गया हमने, चलो ठीक है अच्छा, लेकिन क्या होता है यहाँ पे कुछ भाग परावर्तित भी होती है, कुछ भाग क्या होती है, परावर्तित भी होती है, समझना हमारी बात को। और परावर्तित में क्या होता है कि इसमें ये वाली क्षैतिज वाली जो एक तरह मतलब कि कंपन है ना, वह यह वाला भी, देखो ध्यान सुनना मेरी बात को, कि जब कोई अद्वित प्रकाश किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम के तल पर गिरता है तो मतलब कि उसका कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग क्या होता है, अपवर्तित होता है, ठीक है ना। यह तो बिल्कुल मान लो अपवर्तित तो हो ही गया, अपवर्तित में पार्शियली होगा मतलब कि कहीं पे ए वाला लंबवत वाइब्रेशन, कहीं पे हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन होगा, लेकिन यहाँ पे इस परावर्तित वाले में क्या होता है, परावर्तित प्रकाश में क्या होता है कि मोर देन ये वाली हॉरिजॉन्टल वाले कंपन ज़्यादा होते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं,
समझे ना। और आगे तुम क्या पढ़े हो, पृष्ठ जब परावर्तित होता है तो परावर्तित किरण सामान्यतः आंशिक ध्रुवित होता है। जो परावर्तित होता है ना, परावर्तित जो होता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात का, जो परावर्तित किरण है, इसी की बात हो रही, यहाँ तो हो गया, यहाँ भी आंशिक होता है, ध्यान देना मेरी बात का, यहाँ भी आंशिक होता है। आंशिक किसे भी कहते हैं, आंशिक किसे भी कहते हैं, लेकिन ये जो आंशिक है ना, यह कुछ अलग तरह का है और यह कुछ अलग तरह का है। और इसमें क्या खास बात है, इसमें जो होरिजेंटल वाले कंपन है ना, ये वाले कंपन मान लो एक किरण यहाँ से आ रही, मान लो यहाँ से किरण टकराई मेरी आंखों पर आई, तो ऐसे कह सकते हो, देखो दो किरणें ऐसी आएंगी, ऐसे चल के आएंगे, दोनों आएंगे, ठीक है ना। तो क्या देखा जाता है, परावर्तित वाले में ये हवाला ज्यादा हमारी आंखों पर आता है, ज्यादा आता है, और ये हवाला बहुत कम, बहुत नगण्य मात्रा में आता है, ठीक है ना। ये घटना देखी गई, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं कि परावर्तित किरण सामान्यतः आंशिक ध्रुवित, आंशिक ध्रुवित में बेटा होरिजेंटल वाले वेक्टर कंपन बड़ी ज्यादा होते हैं और ये हवाले क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली होता है, यहाँ पे नॉर्मली चलता है, लेकिन यहाँ बढ़िया घटना घट रही है, ठीक है ना। तो आप इसको समझिए बढ़िया तरीके से ना, ऐसा देखा गया है। और ये बात और जान लीजिए कि परावर्तित, आपने लिखा होगा परावर्तित प्रकाश में, परावर्तित प्रकाश में ध्रुवित प्रकाश की मात्रा, जो मतलब कि ध्रुवित प्रकाश जा रही है ना, जिसमें मतलब कि जो क्वांटिटी जा रही है, क्योंकि कुछ रिफ्लेक्शन है, कुछ रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में जो मतलब कि लाइट जा रही है, उसकी मात्रा जो होती है वह आपतन कोण पर डिपेंड करती है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करती है, ठीक है ना। कि यहाँ पे कितना गुजरेगा, परावर्तन कितना ज्यादा होगा, वह एंगल ऑफ इंसिडेंस पर डिपेंड करता है। चलो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई, चलो अच्छा, ठीक है ना। अब कुछ किताब वाले इसको भी ऐसे ही बोलते हैं कि टोटल अध्रुवित है, कुछ किताब वाले ऐसा ही बोलते हैं कि टोटल इसी की तरह क्या है, अध्रुवित है, ठीक है ना, लेकिन इसे पार्शियली कहा जाता है, इसे पार्शियली कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखो जरा, अब आगे अगर आपने लिखा होगा तो हैशटैग हमने बना के लिखा है आपके लिए, हैशटैग भी एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, ठीक है ना। लिखा एक विशेष आपतन कोण पर, एक विशेष आपतन कोण पर जब परावर्तित किरण अपवर्तित किरण के लंबवत होती है, समझना हमारी बात को, लेकिन एक ऐसा विशेष कोण हमको अभी मिलेगा जब यह जो मतलब कि ऐसे कह सकते हो अपवर्तित वाला इसे कुछ गुजरा है, ठीक है ना, अपवर्तन हुआ है इसका, मतलब कि यह क्या हो गया, अपवर्तित वाला हो गया, क्या वाला हो गया, अपवर्तित। अभी क्या होता है बच्चों, आंशिक ध्रुवित होता है, यह क्या होता है, आंशिक ध्रुवित होता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला आपसे कि एक विशेष आपतन कोण पर जब परावर्तित किरण, देखो परावर्तित किरण या परावर्तित प्रकाश बोलो, यहाँ पे किरण की हम जिक्र नहीं करेंगे, सब वेव पढ़ रहे हैं, परावर्तित प्रकाश अपवर्तित प्रकाश के क्या है, बिल्कुल लंबवत है, ध्यान देना, यह कंडीशन भी मिलेगा, ऐसा हमको कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि हमारे पास ऐसा कोई आपतन कोण होगा जिसमें अपवर्तित प्रकाश की किरण और अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश एक दूसरे क्या होंगे, लंबवत होंगे, ये लंबवत हो गया, ठीक है ना। तब परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है, तब यह आंशिक नहीं रह जाता, जब यह 90 बना लेंगे ना तो यह बिल्कुल क्या बन जाएगा, समतल ध्रुवित, यही वाला टोटल जाएगा, टोटल। अब देखो यह समतल ध्रुवित यानी कि ध्रुवित बोलते हैं इसे, कि अब एक ही दिशा में मतलब कि इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपन यहाँ पे हैं, वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या हो गए, अब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो गए, लेकिन यह कब होता है, जब बच्चों अपवर्तित प्रकाश परावर्तित प्रकाश के बिल्कुल लंबवत होता है, तब यह वाली घटना घटती है, ठीक है ना। तो इस विशेष कोण को, इस वाले विशेष कोण को हम बोलते हैं ध्रुवण कोण, क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण बोलते हैं। और सन 1811 ईस्वी में लगभग, मतलब कि सन 1811 ईस्वी में, एक मिनट मैं चेक कर लूँ क्या मैं सन बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, तो शायद मैं बिल्कुल सही बोल ही रहा हूँगा, क्योंकि मैं एक मिनट बच्चों, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपको लेके बिल्कुल आ गए हैं यहीं पे। हाँ तो देखो क्या बोला गया है, किसान 1811 में एक खोज ब्रूस्टर साहब ने किया था, कौन सा किया था, ब्रूस्टर साहब ने, एक वैज्ञानिक थे, और उन्हीं के नाम पे इसे क्या बोलते हैं, या तो बोलते हैं ब्रूस्टर कोण, क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर कोण बोलते हैं, ठीक है ना।
और इस पूरे फेनोमिना को ब्रूस्टर लॉ बोला जाता है, ब्रूस्टर का नियम बोला जाता है, बिल्कुल परेशान ना हो। और इस वाले इस विशेष एंगल को हम लोग दिखाते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी से, आई बेस में पी। इसका जो मतलब कि ऐसे कह सकते हो जो इसका सिंबल है, जो चिन्ह है जिससे प्रदर्शित करते हैं रिप्रेजेंटेशन, वह किससे होता है, आईपी से होता है। तो इस विशेष कोण का नाम क्या पड़ गया, आईपी पड़ गया। जब ये 90 वाली घटना घट रही है तो टोटल जो प्रकाश है ना वह क्या हो रहा है, टोटल मतलब कि पोलराइज्ड है, या क्या है, पोलराइज्ड, टोटली पोलराइज्ड, इसे बोलते हैं टोटली पोलराइज्ड। ठीक है, समझ में आई हमारी बात यहाँ तक ना। अब देखो आईपी भी हो गया हमारे पास। अब देखो हमको आईपी की गणना करनी है यार, ये आईपी कैसे निकलेगा, ठीक है ना। अच्छा ये हवा में है, चलो निकालते हैं। अब ये हो गया आईपी। अच्छा हमको बताओ कि ये हो जाएगा हमारा, इसका मतलब कि अपवर्तनांक हवा का एक होता है, और चलो जल का अपवर्तनांक मान लिया म्यू है, ठीक है ना। हवा का अपवर्तनांक एक होता है, जल का चलो मान लिया क्या है बच्चों हमारा, म्यू है, ठीक है ना। और एक बात और जानते हो कि किसी भी चीज में परावर्तन अगर हो रहा है ना तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। परावर्तन किसी भी तल से हो रहा है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और चलो ये मान लो यहाँ पे अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश के बीच का जो कोण है वह आर है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, अपवर्तन कोण इसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यार हमको निकालना है आईपी का मान निकालना है, ठीक है ना। अच्छा आपने पढ़ा है, बहुत सालों बाद हम आपके सामने ले आ रहे हैं बाई स्नेल लॉ। स्नेल का लॉ क्या बोलता है, इनका वाला इनके वाले साइन के साथ गुणा करेगा, यानी कि म्यू ऑफ एयर मल्टीप्लाई बाई साइन आई पी वह बराबर होता है इनका वाला, यानी कि म्यू ऑफ मीडियम मल्टीप्लाई बाई साइन आर, ठीक है ना। ये हमेशा स्नेल का लॉ था हमारा, इसका मान हो गया एक, और क्या हो गया साइन आई पी हो गया बराबर, और यहाँ पे क्या हो गया म्यूयम हमको नहीं पता है, मल्टीप्लाई बाई साइन क्या हो गया हमारा आर हो गया, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ए हो जाएगा म्यूयम बराबर साइन आई पी बटे क्या हो जाएगा साइन आर, म्यूयम बराबर क्या हो जाएगा साइन आई पी बटे क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो कुछ काम करते हैं, आपने ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा देखा होगा कि आई पी प्लस आर बराबर 90 डिग्री, आई पी प्लस आर बराबर कितना है 90 डिग्री है, कोई बात नहीं कैसे हुआ है देखो जरा। अच्छा ये देखो जरा, इन दोनों की अगर बात की जाए तो यह 90 है, यह कितना ध्यान दीजिएगा मैं एक ही बार बताऊंगा बढ़िया से, देखो इसको यह 90 है, 90 में अगर आई पी निकल जाएगा तो यह वाला कितना बचेगा 90 माइनस आई पी बचेगा, है ना, ये वाला एंगल बचेगा 90 माइनस आई पी। अब ध्यान दो ये टोटल भी कितना है 90 है, ये टोटल बच्चों कितना है 90 है। अब ये 90 देखो जरा, टोटल 90 में से 90 माइनस आई पी निकल गया, ध्यान देना टोटल 90 में से निकालना है 90 माइनस आई पी, तो 90 माइनस 90 प्लस आई पी तो इकट्ठे, यानी कि यह वाला आई पी हो गया, ये हमारा कितना हो गया आईपी हो गया। अब ध्यान दो, और ये आईपी और ये आर फिर से 90 हैं, यानी कि हम कह सकते हैं आईपी प्लस आर बराबर 90 डिग्री, या फिर कह सकते हो आर बराबर 90 डिग्री माइनस आईपी, तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू एम बराबर साइन आईपी बटे साइन आर का मान रख लो 90 माइनस आईपी आपको चेंजिंग आती है तो साइन आई पी बटे क्या हो जाएगा कॉस आई पी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा म्यूयम बराबर क्या हो जाएगा टेन आई पी, या फिर बोल सकते हो आई पी बराबर टेन इनवर्स म्यूयम, बड़े आराम से बोल सकते हो। देखा आई पी अगर पता हो, एंगल ऑफ ही पता हो तो आर का मान निकाल, अरे म्यू का मान निकाल सकते, या तो म्यू का मान पता, अगर हमको माध्यम का अपवर्तनांक पता हो तो बड़े आराम से हम बता सकते हैं कि यह कितना होगा यह वाला एंगल। और इसी को हम बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ब्रूस्टर का नियम, BREWSTERS,
ब्रूस्टर्स ला, ठीक है ना, ब्रूस्टर का नेम इसी को बोलते हैं कि म्यूयम बराबर टेन आई बी। समझ गया हमारी रात को ना, आपको काफ़ी अच्छा अच्छा भी फील हो रहा होगा। अब देखो अगला यहाँ पे अंतिम टॉपिक है क्रांतिक कोण व ध्रुवण कोण में संबंध। अगला टॉपिक क्या है इसी में, क्रांतिक कोण व ध्रुवण कोण में संबंध। मैं यहीं पे करता हूँ, ख़त्म करता हूँ बात को। अच्छा आप सभी जानते हो कि म्यू बराबर क्या हो गया, टेन आई पी हो गया। म्यू बराबर क्या हो गया बच्चों, टेन आई पी हो गया। अच्छा आप सभी जानते हो क्रांतिक कोण मतलब आप मतलब कि सघन माध्यम में बना ऐसा आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं। और आपको भली भांति याद होगा कि म्यू बराबर क्या होता था, 1/sin θc, जहाँ पे थीटा सी क्या होता था, क्रांतिक कोण होता था, ठीक है ना। यही तो हमारा था भाई साहब, म्यू बराबर क्या, 1/sin θc। तो यहीं पे क्या लगा लो, 1/sin θc बराबर ये हो जाएगा टेन आई पी। दोनों पक्षों को अगर उल्टा कर दिया जाए तो हम लोग क्या पा जाएंगे, sin θc बराबर ये हो जाएगा, उल्टा करोगे तो हो जाएगा cot आई पी। क्रांतिक कोण और बेटा आपका ध्रुवण कोण में संबंध हो गया, ठीक है ना। यह कैश किसके लिए हो रहा है, विरल से ऐसे कह सकते हो, हाँ sin θ बराबर क्या हो गया, और sin θc बराबर cot ip हो गया। तो यहाँ तक ख़त्म हो गया सारा टॉपिक हमारा, क्या होता है ख़त्म होता है। और यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे और क्या कह सकते हो, और हाँ बच्चों और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो tan मतलब कि जो भाई tan आई पी वाला है वाला केस है ना, मतलब कि जो मतलब कि घटना हमारी यहाँ ध्रुवण वाली घट रही है, ये विरल से सघन वाली हो रही है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे अद्वित प्रकाश कहाँ से आ रहा है, विरल से सघन आ रहा है। और यह क्रांति कोण वाली घटना कहाँ होती है जानते हो ना, बिल्कुल भली बात जानते हो, क्रांति कोण वाली घटना कहाँ होती है, जब प्रकाश सघन से विरल जाता है तब होता है, ठीक है ना। तो खैर आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं, छोटा सा टॉपिक था तो हमने ख़त्म कर दिया। लेकिन अगला वाला जो हमारा मतलब कि बनेगा लेक्चर, वह मतलब बनेगा आपके आंकिक सवालों पर। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ भली भांति समझ में आया होगा, और नहीं आया तो बता दो, आया है तो भी बता दो हमको, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम अगर क्रिएट होती है तो आप हमको अवश्य बताओ, ताकि मैं आपके लिए कुछ बढ़िया समाधान करूं। और अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में लिखो, यस सर समझ में आता है, हमको भलीभांति आता है। और नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए रोज की तरह ऑल द बेस्ट।